इसमें हमने एक गुजरों के गुजर कैलेंडर जो है एनुअल कैलेंडर रिलीज किया है, जिसमें हमने पिछले 30 साल की जो कारकर्दगी है गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की एजुकेशन सेक्टर में, गुजरों का कल्चर, इनका हेरिटेज और इनकी लैंग्वेज और इनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रजर्व करने के लिए, तो हमारी ये कोशिश थी कि क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो बंद कर दी है अपने कैलेंडर, किसी भी गवर्नमेंट का कैलेंडर जो है वो नहीं छपता, तो हमारा जो कैलेंडर है ये तमाम गवर्नमेंट के दफ्तरों में जाएगा। ये तमाम हमारे गुजर बरादरी के जो लोग हैं या जो दूसरे हमारे जो भाई हैं जम्मू कश्मीर में, ये सब लोगों के नाम जाएगा, उनके घरों में हम कोशिश करेंगे पहुँचाने की। तो हमने यही इस कैलेंडर में दर्शाया है। इस पे हमें काम करने की जरूरत है, इसको लेके हमारा फोकस है कि अगले 6 महीने का टारगेट लेके चले गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑल इंडिया लेवल पे रिकॉग्नाइज करने का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 40 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं, जिसमें तमाम एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है। मैं तो शुरू में इशारा कर रहा था कि जितना यूनिवर्सिटीज के पास और डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मैन पावर होती है, वो हमारे पास अवेलेबल है। कल ही अराउंड हमने 30 डिफरेंट फेलोज को रिक्रूट करने के लिए नोटिफिकेशन प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकाली है और एक एमओयू के तहत इन लोगों को रिक्रूट किया जाएगा GDCET में डिफरेंट रिसर्च और प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाने के लिए। अभी यूनिवर्सिटी की बात हुई, कॉलेज की बात हुई, तो ये टारगेट्स हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हमारे पास दिखाने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बहुत सारा काम होगा लिटरेरी लेवल पे, रिसर्च और डेवलपमेंट लेवल पे।